नमस्कार दोस्तों, आज आकर जितना आपको स्वागत करते हैं चैनल कमल स्टेट में। तो गाइज आपके लिए बहुत ही शानदार डील रेडी कर दी है, 2 BHK 3 BHK फ्लैट रेडी कर दी है। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है, नियर आपको सेक्टर 3 मिलने वाला है, आकाश हॉस्पिटल ऐसे नियर रहने वाला है, गुड़गांव ऐसे नियर रहने वाला है, द्वारका ऐसे नियर रहने वाला है। तो ज्यादा टाइम लेते दोस्तों, दिखाता हूं अपना फ्लैट आपको, आइए। तो गाइस ये हमारी पार्किंग रहने वाली है हमारे फ्लैट की, देख सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग रहने वाली है, कितनी वाइड पार्किंग मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे आराम से 14-15 गाड़ी 16-17 गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। तो गाइस अब चलते हैं अपने फ्लैट में, आइए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने 3 BHK के फ्लैट के अंदर, कितना शानदार है आपके लिए फ्लैट रेडी कर दिया है। मैं बात करता हूँ अभी, हम खड़े अपने लिविंग एरिया के अंदर। तो लिविंग एरिया के अंदर L-टाइप का सोफा हमने प्लेस किया हुआ है। प्लेस करने के बाद भी कितना फ्री स्पेस मिल जाता है। मैं बात करूँगा अपनी फ्रंट वॉल पे, तो फ्रंट वॉल पे ग्लास का कितना शानदार सा काम किया है, ग्लास और वुड का। एसी की बात करूँगा तो स्प्लिट एसी की वायरिंग आपको इस फ्लैट के अंदर मिल जाएगी। इसका आउटर बाहर रहने वाला है, शानदार सी पोस्टिंग रहने वाली है। मैं इस फ्रंट वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टी पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आराम से आप 55 इंच तक का टीवी प्लेस कर सकते हो। अब गाइस मैं दिखाता हूँ आपको अपनी मॉडर्न किचन। तो गाइज मेरे सामने हमारी किचन रहने वाली है, फुली मॉडर्न किचन आपके लिए रेडी कर दी है। स्पेस हमारी किचन रहने वाली है, देख सकते हैं कितना स्पेस मिल रहा है आपको किचन के अंदर। वेंटिलेशन के लिए आपको शॉफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस रहने वाला है, यहाँ पे अपना फ्रिज आप प्लेस कर सकते हैं और किचन आपकी शानदार रहने वाली है। अब गाइज चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, आइए। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आपके लिए रेडी कर दिया है, शानदार सी कुल्टिंग के साथ, अलमीरा के साथ और आपके टी पैनल के साथ। तो गाइस 6x6 का बेड हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। प्लेस करने के बाद भी कितना फ्री स्पेस मिल रहा है। बात करूंगा इस रूम के वेंटिलेशन की, तो शाफ्ट का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाता है। बात करूंगा इस वॉल की, तो इस वॉल पे कुल्टिंग के अंदर शानदार काम मिल जाता है, ग्लास का काम मिल जाता है, फॉल्स सीलिंग शानदार सी मिल जाती है। अब गाइस चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, आइए। अब गाइस सेकंड बेडरूम दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपना कॉमन वॉशरूम, जो काफी स्पेस रहने वाला है। तो गाइस ये मेरा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, पूरा स्पेस रहने वाला है, वॉल टू वॉल टैंक के साथ आपको मिलने वाला है। मैं बात करूंगा वेंटिलेशन की, एग्जॉस्ट की पॉइंट की, एग्जॉस्ट की पॉइंट आपको मिल जाता है, सेंटे सारी हमारी ब्रांडेड रहने वाली है। अब चलते गाइस अपने सेकंड बेडरूम में, आइए। अब गाइस ये मेरा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, मास्टर बेडरूम, इसको हम काउंट करेंगे। अटैच वॉशरूम आपका इसके अंदर मिल जाता है, 6x6 का हमने इसके अंदर ब्लैड प्लेस किया हुआ है, कुल्टिंग का शानदार सा वर्क किया हुआ है। कैबिनेट की बात करूंगा तो कैबिनेट का भी ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाता है। टी पैनल की बात करूंगा तो टी पैनल का ऑप्शन भी आपको फ्रंट वॉल पे मिल जाता है और एक ड्रेसिंग टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है। एसी की बात करोगे दोस्तों तो विंडो एसी की प्रोविजन आपको मिलने वाली है। अटैच वॉशरूम की स्पेस की बात करूंगा तो वो भी काफी स्पेस रहने वाला है, मैं बता सकता हूँ कि स्पेस रहने वाला है पूरा वॉशरूम, वॉल टू वॉल टैंक के साथ और वेंटिलेशन के साथ। गाइस चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, जिसका लास्ट बेडरूम रहने वाला है, आइए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के थर्ड बेडरूम के अंदर 3 BHK के, तो कितना शानदार से ये भी रेडी कर दिया आपके लिए। अगेन मैं बताना चाहता हूँ आपको, टी पैनल का ऑप्शन आपको इस रूम के अंदर भी मिल जाता है, फॉल्स सीलिंग बहुत शानदार सी रहने वाली, डिजाइन मस्त रहने वाला एकदम फॉल्स सीलिंग का। कुल्टिंग का कितना शानदार काम किया है, देख सकते हैं कितना ऐसा काम आपको कहीं नहीं मिलेगा कुल्टिंग का, जो हम आपको करा के देंगे। और ग्लास का भी काम कर दिया है, 6x6 का बेड लगा रखा है, फिर भी कितना स्पेस मिल रहा है आपको। कैबिनेट की बात करूँगा, अगेन यहाँ भी आपको कैबिनेट मिल जाती है, पूरी वॉल टू वॉल कैबिनेट आपको मिल जाती है, मतलब ऊपर तक आपको कैबिनेट मिल रही है, देखिए कितना स्पेस मिल रहा है। एसी की बात करूंगा तो विंडो एसी की प्रोविजन आपको मिल जाएगी। और गाइस इसी के साथ में रहने वाली अटैच बालकनी, आपको बाकी निकाल जो आपका वॉशिंग रहने वाला है। तो
तो गाइस हम खड़े अपनी बालकनी के अंदर, ये हमारा वॉशिंग एरिया रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप का ऑप्शन मिल जाता है, स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हो। मैं सामने की रोड की बात करूँगा तो 25 फुट की वाइड रोड मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करूँगा सेक्टर 3 द्वारका में ये आपको फ्लैट मिलने वाला है। आकाश हॉस्पिटल यहाँ से नियर रहने वाला है, DPS स्कूल यहाँ से नियर रहने वाला है, द्वारका यहाँ से नियर रहने वाला है, और जो मेरा भाई गुड़गांव काम करता है उसके लिए कनेक्टिविटी सीधे रहने वाली है। तो गाइस ऐसे फ्लैट के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।